इस देश को मजबूत बनाने में जो हमारे लेबर हैं, श्रमिक हैं, जो लोग हाथों से मेहनत करते हैं, वो लोगों उन लोगों का बहुत योगदान होता है। और आज लॉकडाउन के तहत वो 40 दिन से अपने घरों से दूर अलग अलग राज्यों में भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, अंततः जाके उनको वापस आने की परमिशन मिली है। और वो जो रेलों से और ट्रेन से वापस आ रहे हैं, उसका किराया भी अगर उनसे वसूला जाए, मैं समझता हूँ ये अशोभनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और ये लोग जो वापस घर आ रहे हैं, इनका पूरा किराया केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। जब विदेशों से चार्टर प्लेन कर हम लोगों को ला सकते हैं वापस हिंदुस्तान, तो फिर ये गरीब मजदूर जो हैं, जो फंसे हुए हैं, परिवार, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन सबको वापस लाने के लिए खर्चा केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। और मैं सोनिया गांधी जी का, कांग्रेस अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो आज स्टैंड लिया है कि इन लोगों का खर्चा अगर सरकार वहन नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी आके इनके पूरा किराया, उनका खर्चा वहन करेगी। और हम इस मुश्किल घड़ी में इन गरीब लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य है जो स्टेटमेंट आज सोनिया जी ने दिया है, और इन लोगों को मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय में हम लोग पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं।